अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत चीन के जापान के बीच झड़प, घायलों में चीनी सैनिकों की संख्या ज्यादा। बढ़ती कीमतों से बढ़ी राहत, 11 महीने में न्यूनतम स्तर पर पहुंची खुदरा महंगाई दर। वीरभूम नरसंहार केस के मुख्य आरोपी की सीबीआई हिरासत में मौत, 8 दिन पहले हुई थी गिरफ्तारी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को दी चेतावनी, कहा सदन में जाति और धर्म का जिक्र किया तो होगी कार्यवाही। भारत के गरीबों के मोर्चे पर मिली बड़ी कामयाबी, राज्यसभा में सरकार का दावा, कहा 41 करोड़ से अधिक लोग निकले बाहर। ओपीएस पर संकट, 41,000 करोड़ की जरूरत, वित्त आयोग ने कहा हिल जाएगी अर्थव्यवस्था। आतंकी हमलों के कारण कानून व्यवस्था के बिगड़े हालात, एफआईए सहायक निदेशक की हुई हत्या। ब्रिटेन के विदेश मंत्री पीएम मोदी की टिप्पणी से सहमत, कहा मुझे पता है आज का युग युद्ध का नहीं। छत्तीसगढ़ भाजपा ने बताया पैनल, चुनाव के 11 महीने बाद नगर निगमों में दिखेंगे बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष। अब कड़ाके की सर्दी दिखाएगी तेवर, आज से चलेंगी तेज बर्फीली हवाएं, इस सप्ताह से कोहरा पड़ने की भी संभावना। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।